तो यार, अगर तुम्हारी जेईई मेंस में लो रैंक आई है, लो परसेंटेज आई है, और तुम ऐसे कॉलेजेस देख रहे हो जहां से तुम अपनी इंजीनियरिंग या बीटेक कर सकते हो, जिसका अच्छा कैंपस हो, ठीक ठाक फीस हो और अच्छी प्लेसमेंट हो, तुम्हारा अच्छा पैकेज लग जाए, तो आज इस वीडियो में यार मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ 5 ऐसे कॉलेजेस जो तुम कंसिडर कर सकते हो अपने बीटेक के लिए। सारी चीजें बताऊंगा, कट ऑफ बता दूंगा, कितने तक एडमिशन मिल रहा होता है, क्या क्या मोड ऑफ एडमिशन रहता है, और कितनी कितनी प्लेसमेंट्स यहाँ से लग रही होती है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो भी शेयर कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ यार, जो भी नए आ रहे हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जानता हूँ थोड़ा सा चैनल पर इनएक्टिव अभी हूँ, कम वीडियोज आ रही है, बट बहुत जल्दी इंप्रूव करने वाला हूँ। 2025 वालों के लिए बहुत तगड़ी वीडियोज आने वाली, तो जो भी सब्सक्राइब नहीं करा है जरूर से कर लेना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ट्राई करूंगा और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आऊं। तो इस वीडियो में अभी बात करते हैं ऐसे कॉलेजेस जो तुमको लो परसेंटाइल पे मिलते हैं, लो रैंक में मिलते हैं, लेकिन इनकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉलेज जो तुम कंसिडर कर सकते हो वो यार थापर इंस्टीट्यूट, जो कि पटियाला में है। यहाँ पर यार 70% सीट जो है वो जेई मेन के थ्रू मिलती है, जो तुम्हारे जेई मेन रैंक या परसेंटाइल है उसके बेसिस पे मिलती है, और 30% सीट जो है वो क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे मिल रही होती है। तो दोनों क्राइटेरिया यहाँ पर अवेलेबल है, इसको तुम कंसिडर कर सकते हो। कट ऑफ की मैं बात करूँ तो सबसे टॉप सीएससी जो सबको चाहिए होता है वो 1,25,000 तक यार उसका कट ऑफ गया है पंजाब वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी पंजाब से देख रहे हैं यार, उनके लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, और 58,000 कट ऑफ है आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड पंजाब वालों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो लगभग 3 लाख रैंक तक गया यार पंजाब वालों के लिए, और 66,000 रैंक तक गया आउटसाइड वालों के लिए। तो अगर तुम पंजाब से हो तो ये कॉलेज तुम कंसिडर कर सकते हो, बहुत हाई कट ऑफ पर बहुत अच्छी ब्रांच मिल रही है। प्लेसमेंट एंड फीस की बात करोगे तो हाईएस्ट सीटीसी 40 लाख पर एनएम का है, एवरेज सीटीसी भी 11 लाख का है। फीस देखोगे तो थोड़ी सी ज्यादा है बोल सकते हो, 2 लाख पर सेमेस्टर है, यानी कि 4 लाख, तो 16 लाख तुम्हारी यहाँ पर टोटल फीस बन जाएगी। इस कॉलेज को अगर कंसिडर कर सकते हो, अगर तुम्हारा फीस एक इश्यू नहीं है, फीस थोड़ी सी ज्यादा है, फीस अगर तुम्हारी कोई इशू नहीं है तो तुम इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट कॉलेज पर आ जाते हैं, बीआईटी मेसरा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा। ये यार जेई मेन के थ्रू मिल रहा होता है, एक जीएफटीआई है, जेई मेन तुमको एग्जाम देना होता है, और उसके बाद तुम्हारे जो जोसा काउंसलिंग होती है उसी से ही मिल रहा होता है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पर 28,932 क्लोज है ये होम स्टेट के लिए, और 19,000 पे क्लोज हुई है अदर स्टेट के लिए। वहीं अगर मैं लास्ट ब्रांच की बात करूं, अगर तुमको कॉलेज बस चाहिए अच्छा बिट्स मेसरा चाहिए, तो फूड इंजीनियरिंग जो है वो 2,40,000 पे क्लोज हुई है होम स्टेट के लिए, वहीं 1 लाख से ऊपर में तुमको बीआईटी मेसरा मिल गया अदर स्टेट के लिए। तो अगर इस कॉलेज में जाना चाहते हो, ये तो तुम्हारी कट ऑफ होने वाली है। प्लेसमेंट एंड फीस की बात करो तो हाईएस्ट सीटीसी 51 लाख पर एनएम का है, एवरेज सीटीसी की बात करो तो 11.5 लाख का है। फीस देखोगे तो लगभग लगभग 1.5 लाख पर सेमेस्टर यहाँ पर लग रही होती है, तो इस कॉलेज को भी कंसिडर कर सकते हो अगर तुम्हारी लो रैंक या लो परसेंटाइल है जेईई मेंस में। चलो यार अब नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, और ये यार मेरा थोड़ा सा पर्सनल फेवरेट है। अगर तुम चाह रहे हो कि तुमको टॉप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है यार, तो क्वांटम यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन ले सकते हो। ये वन ऑफ द टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में। इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको बताता हूँ। सबसे पहले क्लास 12 के थ्रू भी एडमिशन होता है, जेईई मेंस के थ्रू भी एडमिशन होता है, सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन होता है, और इनका खुद का एग्जाम है क्यू केयर, अगर तुम वो भी देते हो तुम उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। सबसे अच्छी चीज मेरे को कॉलेज की लगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा तुमको स्कॉलरशिप लेने की चांसेस होते हैं, तो तुम्हारी फीस जो है वो बहुत कम हो जाएगी अगर तुम स्कॉलरशिप ले लेते हो अपने किसी भी मेरिट के बेसिस पे। तो स्कॉलरशिप यहाँ पर बहुत हाई है, फीस कम है कंपेयर करोगे बाकी से, और प्लेसमेंट काफी अच्छा हो रखा है। देखोगे प्लेसमेंट एंड फीस की बात करें तो हाईएस्ट सीटीसी यहाँ पर 33.5 लाख का लगा है, एवरेज जो है लगभग 6 LPA का है, और फीस की अगर मैं बात करूं तो 1.4 लाख पर ईयर की फीस है, पर ईयर की है, पर सेमेस्टर की नहीं है। साथ साथ तुम बहुत सारे स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा यार, ये कॉलेज बहुत पास है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी वगैरह के, तो तुम्हारे यार 4 ईयर्स बहुत ज्यादा पीस और काम के साथ बीतने वाला है। बहुत अच्छा ओवरऑल ये क्वांटम यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। इसकी एडमिशन अगर तुम जैसे लेना चाहते हो तो मैं काम करता हूँ डायरेक्टली, लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जहां पर तुम डायरेक्टली जाकर के एडमिशन वगैरह ले सकते हो, सारा प्रोसेस वगैरह चेकआउट कर सकते हो, तो वो चेकआउट कर लेना। बाकी क्वांटम यूनिवर्सिटी बहुत तगड़ा कॉलेज है अगर तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हो, टॉप कॉलेज में जाना चाह रहे हो। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, JIIT नोएडा। ये यार जेई मेन के थ्रू मिलता है या तुमको 12th मार्क्स के थ्रू भी मिलता है। यहाँ पर तुमको सेपरेट JIIT की काउंसलिंग करनी होती है। कट ऑफ की बात करो तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 65,000 में क्लोज हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2,10,000 तक क्लोज हुआ है। तो अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ही चाहिए तो तुम ये कंसिडर कर सकते हो, काफी हाई रैंक तक मिल रखा है। प्लेसमेंट एंड फीस की बात करते हो, हाईएस्ट सीटीसी यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है 82.8 लाख पर एनएम, एवरेज सीटीसी की बात करो तो लगभग 11 लाख का है, और फीस की बात करो तो यहाँ 1 लाख पर सेमेस्टर तुमको यहाँ पर फीस देनी पड़ रही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, UIT चंडीगढ़। जेई मेन के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है, 60% बोर्ड्स यहाँ पर मैंडेटरी है, तुमको लाना ही होगा, 60% चाहिए ही, साथ में तुमको जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग भी करनी होती है, जोसा से ही नहीं मिल रहा होता है। कट ऑफ की बात करो तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 47,000 पे क्लोज हो रखा है, बायोटेक जो की लास्ट ब्रांच है वो 2,34,000 पे क्लोज हो रखा है। प्लेसमेंट एंड फीस की बात करो तो हाईएस्ट सीटीसी 45 लाख का रिकॉर्ड किया है,
और एवरेज सीटीसी 8.7 एलपीए का है। फीस है 1.5 लाख पर ईयर की, यानी कि 6 लाख के आसपास तुम्हारी यहाँ पर बीटेक हो जानी है। तो ये यार वो टॉप 5 मेरे को लगे जो बेस्ट कॉलेज है जो तुम लो जेई रैंक या परसेंटाइल पर ले सकते हो। और भी कुछ कुछ कॉलेज है लाइक पीसी चंडीगढ़ को तुम कंसिडर कर सकते हो, LNMIIT जयपुर को कंसिडर कर सकते हो। तो ऐसी और एक सीरीज लाऊंगा, तो इसमें मैंने 5 कॉलेजेस को कवर किया है। मेरे को बताना तुम्हारा फेवरेट कॉलेज कौन सा, या तुमने कौन सा विजिट कर रखा है जिसके बारे में तुम जानते हो। बाकी लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बहुत तगड़ा तगड़ा कंटेंट रिगार्डिंग कॉलेजेस, रिगार्डिंग जेई 2025, रिगार्डिंग केमिस्ट्री, सब चीज यहां पर आने वाला है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।